हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृति कला में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे खाली बाल्टी को हम घर में किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। ये हमारे पास जो दोस्तों खाली बाल्टी है, इसको हम सीटिंग स्टूल के तौर पे यूज करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हम छोटी छोटी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमें डिजाइनिंग के लिए यहाँ पर एक फैब्रिक लेना होगा। ये हमारे पास फैब्रिक हो जाता है, और एक हमने अस्तर लेना होता है और एक हमने फोम लेनी होती है। इन्हीं के यूज से हम बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे सीटिंग स्टूल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका ऊपर का जो ढक्कन होता है इसको हटा लेते हैं और बाल्टी अलग कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे की साइड फ्रेंड्स हम रखेंगे अस्तर, और अस्तर के ऊपर हम यहाँ पे ये ढक्कन ऐसे रख देते हैं और मार्कर के द्वारा ऐसे चारों साइड निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब तकरीबन हम यहाँ पे दो दो इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगाते हैं ऐसे। ये फ्रेंड्स हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होता है, ये हमारा तैयार नाप हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमें यहाँ पे निशान जरूरी हो जाता है लगाना। ये हमने निशान लगा लिया है, तो इन्हीं निशानों के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें सेम इसी साइज का एक फोम का पीस कटिंग करना है, और सेम इसी साइज का हमें मेन फैब्रिक का पीस कटिंग करना है। तो दोस्तों, हमने इस तरीके से यहाँ पे कटिंग कर ली है। नीचे की साइड हमारा अस्तर आ जाता है, बीच में हमारी फोम आ जाती है, और ऊपर की साइड हमारा मेन फैब्रिक आ जाता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि चारों साइड में हमारा तकरीबन सवा दो इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चारों साइड में यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। चारों साइड में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिजाइनिंग करनी है हमने डब्बी वाली। तो हम एक साइड से भी, कहीं से भी, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। 1.5 इंच का स्केल होता है, तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हमें हर निशान के ऊपर सिलाई लगानी होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स हर निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी होगी, तो हम किसी भी निशान से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सिलाई आपको लगा के दिखाई है, बाकी के सभी निशानों के ऊपर सेम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का जो गैप पे सिलाई निशान लगाए थे उनके ऊपर सिलाई कंप्लीट कर ली है, और बाहर की साइड आपको हल्का फुल्का जैसे झोल देख पा रहे होंगे, तो ये झोल आ जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ था। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस में निशान लगाने हैं। ऐसे हम क्रॉस में निशान लगाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे
बर्फी टाइप डब्बी होती है उस तरीके से हमारी यहाँ पे डब्बी तैयार होने वाली है। पूरे पीस में फ्रेंड्स हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पे मैंने तीन सिलाई आपको लगा के दिखाई हैं, बाकी के सभी निशानों के ऊपर हम इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे जैसे आपको दिखाया था बहुत ही प्यारी सी सिलाई लगाते हुए क्रॉस में यहाँ पे डब्बी बन गई है। मैंने दिख से दिखाना चाहूंगा आपको, यहाँ पे बहुत प्यारा सा हमारा सेंटर पॉइंट का डिजाइन बना है। अब हमें यहाँ पे ये जो बाल्टी है हमारे पास ये लेनी है और फिर से यहाँ पे एक निशान लगाना है। निशान फ्रेंड्स हम यहाँ पे रॉन्ग साइड में ही लगाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और इस बार निशान चौक से मार्क करेंगे। ये हमने जो निशान लगाया है अब हमें इसकी बाहर की साइड एक एक इंच का निशान लगाना है। आपने कम नहीं लगाना है, पूरा एक इंच का निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई में कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया है एक एक इंच की दूरी पे और ऐसे हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। पूरी गोलाई दोस्तों हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं तो बिल्कुल चारों साइड से इक्वल आएगा, एक एक इंच का हमारा गैप, और ये डिजाइन हमारा ऊपर के लिए हो जाता है इस तरीके से। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस तरीके से ये डिजाइन आएगा और यहाँ पे ये बाल्टी आएगी। अभी आप गहराई देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये गहराई होती है, इसमें भी हम कवर करेंगे। ये जैसे जैसे वीडियो बनती जाएगी आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखनी होती है कि जो हमारी बाल्टी की लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे जो लेंथ की बात करें तो हमारी यहाँ पे आएगी 11 इंच, इस तरीके से 11 इंच आएगी। और जो गोलाई की बात करें टोटल जो गोलाई आएगी हमारी ऊपर की साइड से हमें नापना होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर की साइड से नापेंगे इस तरीके से, तो टोटल हमारी यहाँ पे आएगी 39 इंच। तो हम 39 को यहाँ पे डिजाइनिंग में कवर करेंगे, मतलब हमें टोटल 39 की पट्टी चाहिए गोलाई की। तो हम यहाँ पे अगर इसको हम 39 को 40 करके चलते हैं, 40 को हम यहाँ पे भाग करेंगे 8 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारी 5 पट्टी यहाँ पे आएंगी। तो 5 पट्टी हमें बनानी है डिजाइनिंग की जो कि सीधी आएंगी, जिसके लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है 2 शेड वाला और लेंथ हमारी 11 इंच की है। तो तकरीबन हमें यहाँ पे 13.5 से 14 इंच कपड़ा चाहिए, बाद में जितना होता है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 2 पट्टी बनानी है नीले वाले कपड़े की, जो हमारे पास ये ऊपर का फैब्रिक होगा, और 3 पट्टी बनानी है हमने पिंक कलर की। तो इनको भी हम 8 इंच की तैयार करते हैं। 8 इंच की तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे जैसे 16 इंच 2 पट्टी हमें नीली चाहिए तो 16 इंच का कपड़ा चाहिए होता है, लेकिन हमने 18 इंच लिया है क्योंकि हमें इसी तरीके की यहाँ पे भी डिजाइनिंग करनी होती है। तो यहाँ नीचे हमारा अस्तर आएगा, बीच में फोम आएगी, ऊपर हमारा यहाँ पे मेन फैब्रिक आएगा। तो यही तरीका ये होता है इसमें भी, जो हमने पिंक कलर वाला कपड़ा लिया हुआ है सेम यहाँ पे बनानी है हमें 3 पट्टियां। 3 पट्टी बनाने के लिए हमने लिया है जैसे हमारा 8 × 16 = 24, लेकिन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है ताकि हमें यहाँ पे डिजाइनिंग के बाद कटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे इसमें से आएंगी हमारी 3 पट्टी और यहाँ पे भी हमने नीचे की साइड अस्तर, फिर हमने फोम और फिर हमारा मेन फैब्रिक।
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा हमने यहाँ पे ऊपर के ढक्कन के लिए ये डिजाइन तैयार किया है, सेम इसी तरीके से इन दोनों फैब्रिक में भी डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। जैसा दोस्तों हमने यहाँ पे ये डिजाइन बनाया था, सेम उसी तरीके से हमने इन पीसों में भी डिजाइन अपना कंप्लीट कर लिया है। और इनकी जो लेंथ की बात करें, लेंथ हमारी सेम रहनी चाहिए दोनों पीसों की, तकरीबन हमारी 14 इंच तक है। और जो चौड़ाई की बात करें तो हमारी यहाँ पे एक पीस की आती है 17 इंच, 17 इंच। तो इसके हम दो भाग कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से बीच में से कट करेंगे। और जो ये वाला पीस है इसके भी हम तीन भाग कर लेंगे, क्योंकि ये हमें तीन भागों में चाहिए होता है और ये हमें दो भागों का चाहिए होता है। अब हम इनको आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं। जैसे एक पीस यहाँ पे आएगा, फिर हमारा यहाँ पे आएगा, फिर हमारा ये आएगा, फिर हमारा ये वाला पीस आएगा। दोस्तों सभी पीस हमने इस एंगल में यहाँ पे रख लिए हैं जो कि हमें ज्वाइंट करने होते हैं। ये पीस हमने अलग से बनाए हैं क्योंकि तीन पीस हमें नीले वाले लगाने हैं, तीन हमें पिंक वाले लगाने हैं, तभी हमारा पूरा प्रॉपर कम्बिनेशन बनता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमने इनकी पट्टियां अलग अलग की हैं, अभी तो हमारे पास ये 8-8 इंच की हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसकी जो पूरी गोलाई नापेंगे और गोलाई नाप के इनको डिवाइड करेंगे हमारी कितने इंच बनती है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे तो टोटल हमारा जैसे 39 आता है, 39 को हमने पट्टी कटिंग की है 6, तो 6 से हम डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे 39 को 6 से भाग करेंगे 6 से, तो इसका जो आएगा 6.5 इंच की हमारी एक पट्टी आएगी। तो 6.5 इंच में हम दोनों साइड के लिए, जैसे ये पट्टी होती है आधा इंच इस साइड के लिए और आधा इंच इस साइड के लिए, ये एक्स्ट्रा पीस कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये बराबर हमारा 7.5 इंच। मेरा कहने का मतलब है जो ऊपर की पट्टी आएगी हमारी इस पॉइंट की 7.5 इंच आएगी। अब निकालते हैं हम नीचे का भाग, नीचे के भाग से यहाँ पे इस तरीके से फिर से नापेंगे, क्योंकि इसकी जो गोलाई है हमारी 34 है, ऊपर की ज्यादा आती है नीचे की कम आती है। तो 34 को भी हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करने के बाद देखते हैं कितना निकलता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देखेंगे तो हम तकरीबन 5.5 इंच की आएगी हमारी, 34 या 5 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 6 से, तो हमारी जो पट्टी की, जैसे हमने यहाँ पे ये निकाली है 7.5 इंच की, जैसे पहले 6.5 इंच की निकाली है, फिर हमने दोनों साइड का मार्जिन रखा है, तो इसी हिसाब से ये हमारी आएगी यहाँ पे 5.5 इंच की। और 1 इंच इसमें भी प्लस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है 1 इंच प्लस, 6.5 का 7.5 किया है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, तो टोटल आ जाएगी ये हमारी 6.5 इंच। तो नीचे से 6.5 रहेगी, ऊपर से 7.5, तो इस हिसाब से हम इन 6 की 6 पट्टियों को कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक के बाद एक ऐसे रखेंगे, तीन तीन पट्टी यहाँ पे अच्छे से रखते हुए कटिंग कर लेंगे। नीचे से रखेंगे 7.5 इंच, ऊपर से रखेंगे 6.5 इंच। तो जो ब्रॉड वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की साइड आता है और जो छोटा हिस्सा होता है वो नीचे की साइड आता है, ऐसे। अब हम इनके ऊपर कटिंग कर लेंगे निशानों के ऊपर। इस तरीके से आएगी ये हमारी
यहाँ से आएगी कम 6.5 और यहाँ से आएगी 7.5। तो इसी तरीके की 3 पट्टी और कटिंग करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने सभी पट्टियाँ यहाँ पे कटिंग कर ली हैं। अब हम एक एक करके इनको ज्वाइंट कर लेते हैं। एक जैसे पिंक करेंगे, एक हम यहाँ पे ब्लू करेंगे, तो सभी पट्टियों को इस तरीके से जोड़ लेते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही होती है, जो छोटा हिस्सा होता है हमारा एक साइड में आना चाहिए सभी का, और जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है वो भी एक साइड में आना चाहिए। दोस्तों 6 की 6 पीस हमने यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हमें यहाँ पे इसको पूरी राउंड शेप में चेक करना होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये बाल्टी होगी, इसको शेप में इस शेप में चेक करेंगे, और जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की साइड रखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे चौड़ाई वाला हिस्सा, तो ये बिल्कुल फिक्स आएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे पूरा फिक्स आने वाला है ये अभी आपको वैसे लगता है हल्का सा, जब हम इसको यहाँ पे फिट करेंगे तो प्रॉपर शेप में यहाँ पे ये तैयार आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमने एक हिस्सा ज्वाइंट अभी तक नहीं किया है, इसमें हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जिप लगानी होगी। तो हमने यहाँ पे एक जिप ली हुई है, तो सबसे पहले हम इसको जिप को इसमें अटैच कर देते हैं, और जो इसका खुलने वाला भाग होगा नीचे की साइड रखेंगे, और जो ओपन वाला भाग होगा वो ऊपर की साइड रखेंगे। ऐसे खुलेगी ये, कहने का मतलब है ऊपर से हमें नीचे को ऐसे बंद करनी होगी। तो इसको यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से जिप रखेंगे, सबसे पहले एक सिलाई लगा लेंगे, फिर इसी के साथ में इस तरीके से पलटते हुए जिप में दूसरी सिलाई लगाएंगे। एक साइड हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई है, जिप ऐसे आएगी। अब हम दूसरी साइड में इसको अटैच करेंगे, तरीका सेम होगा यहाँ पे अटैच करने का भी। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे ही रखते हुए सिलाई लगानी होती है, यहाँ पे फर्क नहीं आना चाहिए। एक सिलाई लगाने के बाद अब हम जिप को ओपन कर लेंगे। ऐसे ओपन करते हुए दोबारा से सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल नजदीक लगानी होती है सिलाई। इसको सीधा कर लेते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि किस दिशा में हमने जिप अटैच की है। ये हमारी यहाँ पे जिप आ जाती है। अब दोस्तों ये हमारी ऊपर की साइड है और ये हमारी नीचे की साइड है। नीचे की साइड की ब्रॉड लेंथ जो है कम होती है, इसीलिए हमने जिप लगाई है और नीचे का हिस्सा यहाँ पे ओपन रखा है। यहाँ से ऐसे रहेगा, ऊपर का हमारा बिल्कुल बंद रहेगा। अब इसको ऐसे बंद करते हैं। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे जो हमने गोल डब्बी कटिंग की थी वो अटैच करनी होती है। जो दोस्तों हमने यहाँ पे राउंड शेप का ये पीस तैयार किया था, सबसे पहले हम इसको गद्दीदार तैयार करते हैं। तो तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक निशान लगाते हैं इस तरीके से, तकरीबन 4 इंच का। ये हमने 4 इंच का निशान लगाया है और एक निशान से यहाँ पे सिलाई की शुरुआत करेंगे। एक निशान से हमने सिलाई की यहाँ पे शुरुआत की है, और अब हमें क्या करना होगा, बाहर की साइड वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हल्का हल्का छोड़ते हुए ऐसे कटिंग कर लेते हैं।
हमने ये गैप रखा है ये वाला, इसमें हम रुई डालेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से रुई ली हुई है। अगर आपके पास रुई नहीं है तो आप छोटी कतरने भी यहाँ पे डाल सकते हो। ये रुई डालने का तरीका ये होता है, इसमें हमें छोटे छोटे इस तरीके से पीस करने हैं और ऐसे डालते जाना है। तकरीबन 200 ग्राम के आसपास हम यहाँ पे इसमें रुई डाल लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने रुई अपने अंदर डाल दी है। अगर आपको ज्यादा डालनी हो तो ज्यादा डाल सकते हो, क्योंकि इसमें 200 ग्राम तक रुई आ जाती है। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम रुई डाली है, 100 से 125 ग्राम। अब हम इस सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं। जैसे ये कहीं पे कम होता है कहीं पे ज्यादा होता है, तो इसको अच्छे से इस तरीके से सेट कर ले। अब दोस्तों जो हमारे पास ये पीस हमने तैयार किया हुआ है, ये जिप वाले पॉइंट को किसी भी पॉइंट पे ऐसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे अटैच करेंगे। बराबर बराबर मार्जिन रखना होता है और पूरी गोलाई में ऐसे सिलाई लगानी होती है। हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए, बड़ा छोटा ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये बिल्कुल हमने परफेक्ट नाप कटिंग किया हुआ है। जो हमने बाहर की साइड एक एक इंच का मार्जिन रखा था, अगर हम बिना रुई के उसको ये ज्वाइंट करते तो ये पीस बड़ा आता, लेकिन जब रुई डाल देते हैं तो इसमें हल्की हल्की नमी आ जाती है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो एक इंच का पूरा पीस वो कवर हो जाता है, तो इसीलिए हमने एक एक इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था। जिस पॉइंट से दोस्तों हमने शुरुआत की थी उसी पॉइंट पे हमने सिलाई को पूरा किया है। अब ये गद्दी हमारी यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगी। अब ये जो बाहर वाला आप कपड़ा देख पा रहे हो, ये हमें फोल्ड करना होता है ऐसे, इससे हमारी मजबूती भी आ जाती है और फिनिशिंग भी आ जाती है। पूरी गोलाई में इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये कपड़ा अपना फोल्ड कर लिया है। जहां पे अगर ज्यादा लगता हो आपको ऐसे कटिंग कर ले, तो यहाँ पे नीचे की साइड हमारी ऐसे आएगी, इससे मजबूती की भी हो जाती है और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको सीधा कर लेना है। ऐसे हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधी साइड आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत प्यारी सी हमारी आ जाती है इस तरीके से। अब जो जिप है हम इसको ओपन कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे एक नेफा बनाते हैं दोनों साइड में सिलाई लगाते हुए। इस तरीके से बारीक फोल्ड करेंगे।
तरीके से नेफा मोड़ेंगे, जिसमें कि अंदर की साइड हम कोई भी डोरी डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने ये नेफा अपना फोल्ड कर लिया है और बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे ये कवर बनाया है बाल्टी का। तो यहाँ पे हमारा टेबल अब तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें हम बाल्टी डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम बाल्टी रखेंगे और ये इस प्रकार ये कवर चढ़ाएंगे। बड़ा ही आसानी के साथ में यहाँ पे कवर इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, चढ़ जाएगा ऐसे। अब हम यहाँ पे ये जिप बंद करेंगे। ये जिप आपने पूरी नीचे तक नहीं करनी है, हल्की सी छोड़ते हुए ऐसे करते हैं। अब इस कवर को हम ऐसे अच्छे से खींच लेंगे, इस तरीके से खींचने के बाद जो हमने ये डोरी डाली हुई है, नेफा बनाया था, इसको हम ऐसे खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे इसको टाइट करेंगे। जितना भी आपको टाइट करना हो, सेट करना हो, यहाँ पे इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे हम डबल गांठ लगाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। इसमें आपने ध्यान रखना होता है, ये कुंडा हमारा नीचे नहीं आना चाहिए। जिप हमने फर्स्ट क्लास लगाई हुई है, यहाँ पे सीधी साइड हमारी ऐसे नजर आएगी जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे ये टेबल बनाया है। जो घर में खाली बाल्टी पड़ी होती है, पेंट में हम यूज करते हैं और उसके बाद वो वेस्ट समझ के उन्हें फेंक देते हैं, तो आपने फेंकनी नहीं है। इस तरीके से बहुत प्यारा सा यहाँ पे ये डिजाइन बना सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको आइडिया दिया है। इसी तरीके की बाल्टी के मैं आपको और भी डिजाइन दिखाऊंगा। मेरे पास काफ़ी डिजाइन है और काफ़ी तरीके हैं बनाने के। तो जैसे जैसे आगे की वीडियो हम कभी बनाएंगे तो ज़रूर इसके ऊपर भी मैं फोकस करूंगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।